बसमीम् अल्लामक जब कोई इंसान अपना मुल्क छोड़ना चाहता है तो वो ये सवाल करता है कि आया जिस मुल्क में वो रह रहा है वो बेहतर है या जिस मुल्क हिजरत कर रहा है वो बेहतर है ये सवाल अक्सर मुझसे मेरे पाकिस्तानी अहबाब करते हैं जबकि बरतानिया में रहने वाले भी अक्सर ये सवाल करते हैं कि बेहतर च्इस क्या है पाकिस्तान या बरतानिया बगैर कुछ सोचे समझे मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में सिर्फ उसको रहना चाहिए जिनका ताल्लुक एलिट क्लास से हो क्योंकि पाकिस्तान में जितनी भी महंगाई हो जाए इन पर पाकिस्तान के माशी हालात का कुछ असर नहीं होना इनके लिए इनके बच्चों के महंगे स्कूल बर्दाश्त करना भी फैशन है वो खुशी खुशी लाख दो लाख फीस दे देंगे छोटी सी तकलीफ में पेम्स हॉस्पिटल या आखान चले जाएंगे लोड शेडिंग की सूरत में इनके पास जनरेटर और इसमें महंगा पेट्रोल डालने का बैकअप होगा वीगो लेकर निकलने पर वैसे ही कोई कानून और पुलिस इन पर हाथ नहीं डालेगा अब आ जाए मिडिल क्लास लोगों पर यानी छोटे कारोबारी या जॉब करने वाले लोगों पर जिनको रोज यही सोचकर सोना है कि आज पेट्रोल 200 का है तो कल 250 का लेना है जितना कमाना है इसका तकरीबन पचास फीसद बच्चों के स्कूल की फ़ीस देनी है सुबह नौकरी पर जाते हुए अगर मोटरसाइकिल से जाना है तो यही टैग काफ़ी है कि आप मिडिल क्लास और आम से बंदे हो इसलिए सिग्नल पर किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक कर कोई चलान कर कर हजार दो हज़ार लेने हैं फिर पूरे घर में कोई ना कोई बीमार ज़रूर होगा वहाँ पर भी मोहल्ले के किसी डॉक्टर या क्लिनिक का घर आप ही की शंखा से चलना है अब ऐसी ज़िंदगी गुजारने वालों को मैं क्या मशवरा दूँ वो खुद ही समझदार होंगे कि इन्हें पाकिस्तान में रहना चाहिए कि नहीं मेरा आज का व्लॉग सिर्फ इन्हीं मिडिल क्लास लोगों के लिए है कि इनका बेहतर मुस्बिल हजरत करने में ही है चाहे आप सी हो या फिर आपकी कोई अच्छी जॉब हो या फिर छोटा मोटा कारोबार हो क्योंकि आपकी सारी कमाई इस मुल्क ने वापस ले लेनी है बदले में आने वाली नस्ल ने भी यही मेहनत मशक्क़त उठानी है तो खुद सोचें आपने अपने आप को कहाँ टाइम दिया आपके वालदे ने आप पर मेहनत की और अपनी पूरी ज़िंदगी आप पर लगा दी और फिर आप भी वही साइकिल चलाते हो आपके वालदे अब ये सोचते हैं कि हम इसे बाहर भेज देते क्योंकि बाहर वालों की डबल सैलरी होती है जहसी बात है अब आपके वालदेन ने आप पर इतना पैसा खर्च करके आपको पढ़ाया लिखाया लेकिन आपकी पाकिस्तान में जो सैलरी होना चाहिए वो नहीं है और फिर वो चाहते हैं हमारा बच्चा बाहर जाके सेट हो जाए तो मेरा मशवरा ये है कि आप अपनी जो भी आपकी कमाई है उसको इन्वेस्ट करें और सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट बरतानिया शिफ्ट होना है जो सबसे अच्छी बात इस मुल्क की है कि यहाँ तालीम फ्री है और इनका तालीमी स्टैंडर्ड पाकिस्तान के किसी भी महंगे स्कूल से कई गुना बेहतर है एक एक टीचर को बच्चों की नफसियात इनकी सेव गार्डनिंग का कोर्स करवाया जाता है जबकि किसी भी सब्जेक्ट का टीचर बनने से पहले इस टीचर को इसके सब्जेक्ट के बारे में लॉजिकल टेस्ट पास करना होता है स्कूल में बच्चे की खाने पीने न्यूट्रिशन महाना हेल्थ चेकअप आई टेस्ट सबकी जिम्मेदार स्कूल की, की इंतज़ामिया होती है और एक जो मुझे बात बहुत अच्छी लगती है यहाँ पर बच्चे खाली बैग स्कूल लेकर जाते हैं क्योंकि ना पाकिस्तान में जो चक्कर है ना पूरा स्कूल का कोर्स जो है वो आप स्कूल से ही खरीदेंगे और इतना महंगा कोर्स यहाँ पर कोई वालदे पर जो है प्रेशर नहीं है कोई बर्डन नहीं है आप अपने बच्चे को सिर्फ खाली बैग के साथ स्कूल भेजते हैं और स्कूल में सारा सिलेबस सारी कॉपियाँ होती हैं बच्चे की और या फिर ऑनलाइन होती हैं यानी कि आप पर कोई बर्डन नहीं है कोई भारी भारी, भारी बैग लेके नहीं जाने हैं जो लोग बरतानिया में रहते हैं इनको इस नहमत का अंदाज़ा तब होगा जब वो वापस पाकिस्तान जाकर अपने बच्चे को किसी पाकिस्तानी तालीमी इदारे में डलवाएं। पहले तो नखरे करके बच्चे को स्कूल में लिया जाएगा और एक प्रेशर टेस्ट की बुनियाद पर एडमिशन दिया जाएगा फिर एडमिशन फीस के नाम पर सबसे पहले झटका दिया जाएगा कि जिस जिसका लेना समझ से बाहर है क्योंकि आप महाना फीस दे रहे हो तो एडमिशन फीस के नाम पर इस महाना फीस से चार गुना ज़्यादा कौन से पैसे चार्ज कर रहे हो भाई फिर आपका बच्चा तालीम के नाम पर इन टीचर के हवाले होगा कि जिनको इस महंगाई के दौर में एक मामूली सी तनख्वाह दी जा रही होगी अब जाहिर है वो क्या आपके बच्चे पर मेहनत करेगा जबकि स्कूल इंतज़ामिया इस टीचर पर भी इतना प्रेशर रखी होगी कि इसकी इज़्ज़त नफ्स हर रोज़ मुतासर होती होगी जबकि वो नहीं जानते कि उस्ताद का मरतबा क्या है जो इज्जत और मकाम बरतानिया में टीचर को हासिल है यहाँ पर स्टेट इस इसे सिविल सर्वेंट का दर्जा देती है इसको तकरीबन वही तनख्वाह मिलती है जो एक अच्छा इंजीनियर कमा रहा है बहरहाल बरतानिया में रहने का दूसरा बड़ा फ़ायदा सोशल सिक्योरिटी है अव्वल तो तकरीबन सबके पास जॉब होगी और अगर ना हो तो फिर हुकूमत इतनी मदद ज़रूर कर देती है कि आपका गुज़र बसर हो जाए मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त की बा एक बात याद आ रही है कि उन्होंने अपने विसाल के वक्त खास खास साहबा को बुलाकर एक वसीयत की थी कि अपनी राया का बहुत ख्याल रखना ये राया का ख्याल रखना मैंने बरतानिया में देखा यहाँ पर डिसेबल बच्चे का ख्याल हुकूमत इनकी माँ बाप से भी ज़्यादा रखती है इसके होने वाले अखराज सब हुकूमत उठाती है बल्कि कोशिश करती है अगर कहीं ऐसा बच्चा है तो इसका घर हॉस्पिटल से बिल्कुल पास हो जो कि हुकूमत ही करके देती है हमारे पाकिस्तान में अगर कोई डिसेबल बच्चा हो तो पहले तो इसका कोई नाम रखा जाता है और वालदे को इतना प्रेशराइज किया जाता है कि वो इस बच्चे को लेकर बाजारों के चक्कर लगाता है। कि इस बच्चे पर शायद जिन या भूत का साया है या फिर जब इसका इलाज डॉक्टर के पास नहीं तो कोई पीर फकीर अपनी भूखों से ही इसका इलाज कर दे यही वजह है कि जगह जगह पीर और फ़कीरों का कारोबार पाकिस्तान में चमकता धमकता मिलेगा बरतानिया के बारे में एक और मनफीपुर गांडा सुनने को मिलेगा कि यहाँ औलाद बिगड़ जाती है यानी दीन से दूर हो जाती है देखिए ये दीन का मामला सिर्फ प्रैक्टिस पर मुंहसर है अगर आपके अंदर ये विल हो कि आपके बच्चे ने दीनदार निकलना है तो आप शुरू से ही इसकी ऐसी तरबियत करते हो यहाँ लंदन में जहाँ जहाँ मुसलमानों की आबादियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पर मसाजिद आपके घरों से इतनी ही दूर हैं जितनी पाकिस्तान के शहरों में होती हैं बल्कि कुछ जगहों पर तो एक ही स्ट्रीट पर पांच पांच मसाजिद मिलेंगी जो लोग पाकिस्तान में हैं वो बस यही सोचकर खुश हो जाते हैं कि यहाँ पर कुछ नहीं तो दीन तो महफूज है हालांकि वहाँ पर दीन सिर्फ प्रैक्टिकल लोगों तक महफूज है अल्लाह का दीन सिर्फ़ मखसूस ज़मीन के लिए नहीं हर जगह अल्लाह की किब्रियाई आपके इरादे पर है बरतानिया आने पर आपको जो जो भी कन्फ्यूज़न है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं इन मैं अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपके सवालों के जवाब दूंगी और मेरा एक मशवरा आप लोगों के लिए है अगर आप बरतानिया आ रहे हैं तो देखिए फैमिली के साथ पहले नहीं आएँ पहले आप अकेले आएँ और अगर आपको लगे कि हाँ आप यहाँ पर सेटल हो सकते हैं तो फिर अपनी फ़ैमिली को बुलाएँ अल्लाह हाफिज़ अस्सलाम वालेकुम उम्मीद है आपको मेरा ये जरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों तक फॉरवर्ड करें क्या पता दूसरों के लिए ये व्लॉग बेहतर साबित हो अस्सलाम वालेकुम